देवघर जिले पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी पूरे उफान पर है। बागमती नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 62.31 सेंटीमीटर पहुंच गया है, जिसके कारण बेलवा डैम निर्माण में बनाए गए सुरक्षात्मक तटबंध में तेजी से रिसाव शुरू हो गया, जिसे ठीक करने में दर्जनों मजदूर लगाए गए हैं। साथ में बागमती पुरानी धार में पानी का तेज बहाव भी शुरू हो गया है, जिसके कारण नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर है। जल वृद्धि को देखते हुए आला अधिकारियों ने बेलवा के नजदीक बागमती नदी का निरीक्षण किया है। DDC विशाल राज, ADM शंभूसरण, SDM इस्तियाक अली सहित अन्य पदाधिकारी बेलवा पहुंचकर बागमती नदी के जलस्तर का जायजा लिया। वहीं बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं तटबंध पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का कार्य शुरू कर दिया है। जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर ने जिला वासियों से अपील किया है कि माता पिता अपने बच्चों का ऐसे समय में ध्यान रखें। नदी किनारे बच्चे को स्नान न करने दें, मछली न मारने दें। जिला में कार्य 24 घंटे कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। पिपराही अंचल कार्यालय में SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है, जो स्तर बढ़ने के साथ और प्रभावित जगहों पर कूच कर जाएंगे। सर, बाढ़ का निरीक्षण करने आए थे क्या? यहाँ पर तटबंध का निरीक्षण किया गया है जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के द्वारा, और लगातार ये देखा जा रहा है क्योंकि इस समय पानी का स्तर लगातार बढ़ता भी जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। और जहाँ भी तटबंध को लेकर कहीं पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहाँ पर एक्सपीरियंस टीम हमारी पूरी तरह से रेडी है और वो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रही है। वॉलंटियर्स भी हम लोग तैयार हैं और जो लगातार हम लोग चेकिंग भी किए जा रहे हैं कि 24 आवर्स सर्विलेंस रहे हम लोग का। रिसाव आ गया है सर, सुरक्षा? हाँ, पाइपिंग और सीपेज ये दो चीजें हम लोग को देखने को मिली हैं इंजीनियरिंग टीम से, और ये लगातार जो पाइपिंग के लिए जो प्रोडक्शन वर्क किया जाए वो ऑलरेडी किया जा चुका है, तो अब पाइपिंग वाला काम रुक गया है, अब वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। और रिसाव जो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है वो पानी का प्रेशर के कारण हो रहा है, लेकिन उससे बाढ़ के तटबंध को ज्यादा क्षति पहुंचने की अपेक्षा नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। नरकटिया गांव का संपर्क टूट गया है। नरकटिया गंज में फिर पानी घुस गया है, और जैसा कि हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, सब लोग जान रहे थे कि जैसे ही बाढ़ के पल जल का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो नरकटिया साइन में वहाँ पर बाढ़ का सुरक्षा नहीं रहने के कारण वहाँ पर पानी घुसेगा भाई, तो उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। और जैसे ही वहाँ पर अगर पानी का जलस्तर इस तरह से बढ़ता है जहाँ पर लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग फिर अकॉर्डिंगली हम लोग तैयार हैं। सर, डैम निर्माण के लिए जो सुरक्षात्मक तटबंध बनाया गया है उसमें रिसाव है सर? हाँ, तो रिसाव को अभी तत्काल हम लोग बंद कर दिए हैं, वेल बना के वेल पर प्रोटेक्ट कर दिए हैं, और हम लोग सजग हैं, यदि ऐसा कुछ होता है तो पानी का दबाव बना हुआ है अभी बढ़ने के क्रम में है, अभी तत्काल जो है 65-30 बढ़ने के क्रम सभी तटबंध सुरक्षित, अभी पूरी तटबंध अभी सुरक्षित। नरकटिया सर, पानी प्रवेश कर गया है नरकटिया में? अभी जो खुला हुआ पोर्शन है 1.7 किलोमीटर का गैप है, नदी का जलस्तर जब भी बढ़ता है उस गांव में पानी जाता है, जब तक तटबंध पूरी तरह से निर्मित नहीं हो जाता है तब तक हम लोग नहीं पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।